यहाँ कर रही हूँ मैं हल्का फुल्का सा मेकअप, क्योंकि अभी थोड़ा सा नहा के आई थी, तो आज सावन का सोमवार भी है, तो मैंने सोचा सिंदूर विंदूर लगाना तो बनता है। वैसे तो मैं हमेशा लगाती हूँ, लेकिन मेरा ना कभी कभी ना पूछ जाता है, जैसे कि थोड़ा सा पसीना पूछ लिया या हाथ ऐसे मार दिया तो हो जाता है मेरे से। तो पहले तो ना मैं ग्रीन कलर का सूट पहन रही थी, लेकिन वो ग्रीन कलर का सूट बहुत ज़्यादा टाइट आ रहा था, तो ये देखिए फिर मैंने ग्रीन ग्रीन कलर की चूड़ियाँ पहनी है। कितनी सुंदर चूड़ियाँ लग रही है ना, ये मैंने पिछले साल ही खरीदी थी। तो मतलब सूट तो मैं पहले, फिर मैंने सोचा चलो साड़ी पहनती हूँ, फिर मैंने सोचा चलो नहीं कोई बात नहीं हरी चूड़ियाँ ही पहन लेती हूँ। सावन तो पूरे महीने का है, आप कभी भी साड़ी वगैरह कुछ भी डाल सकते हो, बस उस सूट की मैं ना अच्छी तरह से खुलवा लूँगी अंदर से, तो थोड़ा पहनने लायक वो हो जाएगा। कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में एकदम सुरक्षित होंगे। तो आज है सावन का पहला सोमवार, तो आपको सावन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोले की सबके, आप सबके ऊपर कृपा बनी रहे और मेरे ऊपर भी बनी रहे। तो गाइज आज सोमवार है, मतलब पहला सावन का, तो सब लोग फास्ट तो रखते ही हो, मैंने भी रखा है, मेरा तो ऑलरेडी हर सोमवार का रहता है। तो बस मैंने सोचा कि आज मैंने ना ग्रीन चूड़ियाँ डाली हैं, और ग्रीन चूड़ियाँ इसलिए डाली हैं क्योंकि कहते हैं कि जब सावन लग जाता है ना तो हर सुहागिन को हरी कलर की चूड़ियाँ डालनी चाहिए। अरे आप कहेंगे ये पीछे वाला कंगन मैंने क्यों नहीं उतारा, क्योंकि मेरी मम्मी बोलती है कि जब भी आप चूड़ियाँ पहने ना, तो आप कभी अपने हाथ को बिल्कुल खाली करके चूड़ियाँ ना पहने, एक चीज़ से पड़ी रहने दें, ऐसे नहीं पहननी चाहिए। तो इसलिए तो मैंने सोचा चलो मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो आप लोग देखना चाह रहे थे कि जब मैं नोएडा से वापस आई और मेरा एड कैसा हुआ, तो उसकी क्लिप मैं ज़रूर डालूंगी यूट्यूब पे। तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप मुझे इतना प्यार कर रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। ये वर्ड तो बहुत बहुत ज़्यादा छोटा है। तो चलो गाइस मैं वीडियो कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए उसके बाद ना कितनी तेज़ बारिश आने लग गई थी, क्योंकि ना उस दिन बहुत तेज़ गर्मी थी, फिर उसके बाद बारिश आ गई। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा चूड़ियों का वो दिखाया है आपको, कितना सुंदर चूड़ियाँ लग रही थी। तो यहाँ उसके बाद ना मैं और मेरा बेटा पूजा करने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि जो यहाँ मंदिर है पास में ना, वो उसमें अभी शिवलिंग को स्थापित नहीं किया है, तो अभी पूरी तरह से बना भी नहीं है, पता नहीं इतना ढीला काम करते ना यहाँ पे। तो हम माँ बेटा ना घर पे ही पूजा कर ली थी। ये देखिए मैंने शिवलिंग भी घर पे ही बनाया था, इस तरह से शिवलिंग बनाने से ना सारी मनोकामना कृपा भगवान की बनी रहती है। तो यहाँ ना मेरे हस्बैंड बना रहे थे मम्मी के लिए वो सिरका, जो जामुन का सिरका होता है ना, वो बना रहे थे उनके लिए, तो बस उसी की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। आज मैं व्रत में खाने वाली हूँ, दिखाऊँ आपको? आप कहोगे इतना सारा, भाई इतना सारा नहीं खाऊंगी, क्योंकि इनका अनमोल के पापा का फास्ट नहीं है, और अनमोल के लिए तो मुझे बनाना ही बनाना है। तो मैंने सुबह हल्का फुल्का नाश्ता उनके लिए बना दिया था, फिर उन्होंने बोला कि जब मैं बाद में आऊँगा तब बना देना। तो मैं ना इसमें से ही दो आलू निकाल के सब्जी बना दूँगी, तो मैं खाने वाली हूँ ये है फ्रेंड्स मेरा आज फास्ट वाला खाना, दही और आलू। उन्होंने ना पानी पिला दिया है गद्दे पे, देख रहे हो आप? तो इसीलिए जो मैंने आपको कल ब्लैंकेट धो के दिखाया था ना, वो इसी चीज़ में यूज आता है कि आप उसको ऊपर डाल दो तो कुछ भी बच्चा गिराए गिराए तो चीज़ें ख़राब ना हो। तो ये देखिए अभी ये पानी सूख जाएगा ना, जब मैं इसके ऊपर ये बिछाऊंगी, ये देखो कल वॉश हो गया था तो सूख गया है, तो मैं आपको बिछा के दिखाऊंगी। उससे पहले मैं बना लेती हूँ सब्ज़ी, क्योंकि मेरा तो फास्ट है, मुझे तो खाना नहीं है, पर हस्बैंड को तो खाना ही खाना है। तो यहाँ करने लग गई हूँ मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी, तो बस मैं इनके लिए ही बनाऊँगी। उसके लिए ना मैंने थोड़ा सा तेल, उसमें हींग जीरा ये डाल दिया था, तो मैं थोड़ा डिटेल में नहीं बताऊँगी क्योंकि सिंपल सब्ज़ी है, उसका क्या बताना। तो बस मैंने छोटा छोटा सा प्याज काट के इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा इसे ब्राउन होने तक थोड़ा सा थोड़ा चलाऊंगी, ये देखिए। उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया था, क्योंकि ये बोल रही कि तुम पूरा दिन खाना नहीं खाओगी, क्योंकि मैं सावन वाले फास्ट में मंडे वाले में ना मैं शाम को भी खाना नहीं खाती, कुछ भी फलहार वगैरह आलू वगैरह ऐसे ही काम चलाती हूँ। तो ये कह रहे मेरे दोनों टाइम के लिए एक बार भी बना दो, बार बार क्या बनाओगी, परेशान हो जाओगी, तुम भी बहुत काम हो जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है बना देती हूँ। तो उसके बाद ये टमाटर को भी मैंने काट के इसमें डाल दिया था, और इनका जब तक कलर चेंज होगा तो मैं उसके बाद इसमें मैंने आलू बैंगन डाल दिए हैं। तो ये देखिए बस इनको आपस में मिला दूंगी और मेरी सब्जी भी बन के रेडी हो जाएगी। मतलब थोड़ा सा पानी डाला है मैंने, बहुत थोड़ा सा डाला है, वो देखने में लग रहा होगा ऐसा। फ्रेंड बताए हम जो सिरका बना रहे थे ना मम्मी के लिए, देखो उसके जितने भी सारे बर्तन हो गए थे सारे क्लीन हो गए, देख रहे हो आप, सारे क्लीन बर्तन कर दिए, साथ की साथ कर दिए। अब इन भाई साहब के लिए सब्जी बना दूंगी, फिर खाना बना दूंगी, फिर जाओ, क्योंकि फास्ट वाले दिन ना ज्यादा काम नहीं होता है, भूख लगाती है। वैसे नहीं लगेगी मुझे, मैं हमेशा 1-1.5 बजे ही खाना खाती हूँ पूजा पाठ करके, लेकिन जिस दिन मेरा फास्ट होता है उस दिन मुझे बहुत भूख लगाती है। भैया जल्दी से जल्दी इन्हें रवाना करते हैं खिला पिला के।
तो यहाँ ना अनमोल ने जैसे पानी गिरा दिया था, तो मैंने कहा मैं इस काम को भी ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ना आज के दिन पाठ भी करना होता है। तो मैंने सोचा मैं जल्दी से जल्दी ये थोड़ा सा मेरा इसका ब्लैंकेट था मैं इसको बिछा देती हूँ, उसके बाद ना मैं अपना पाठ करने में लग जाऊँगी। क्योंकि फिर मेरे को ये टेंशन रहती है कि चलो बच्चा है वो कहीं भी खेले फिर उठे कहीं भी जाए, तो मैंने बेडशीट भी बिछा दी थी। और ये देखिए हमारी थाली यानी अनमोल के पापा की थाली हो गई है रेडी, है आप लोग भी खा लीजिए। फ्रेंड्स ये भी खाना वाना खा के जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ कि एक दो लोग हैं जो थोड़ा सा ना बैड कमेंट्स करते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा नहीं लगता सुनने में इस तरह से कमेंट्स करते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए कि जब आपकी मम्मी बहन वाइफ बाथरूम में बैठ के कुछ काम करती हैं तो आप उनको देखते हो कैसे बैठी हैं वो, कैसे नहीं बैठी हैं, किस तरह से? मैं फिर भी एक दो अपना इतना प्रॉपर तरीके से ध्यान रखती हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, जो आप जो लोग मुझे शुरू से जुड़े हैं आज तक मैंने कभी भी वीडियो पे कुछ ही ऐसी चीज़ करी है जो आप चीज़ों को अच्छी लग? क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती हूँ, इतना इज्जतदार ख़ानदान है मेरा, इतना माना हुआ मेरे पापा का नाम है, तो मैं यूट्यूब पर हूँ तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग कुछ भी मतलब ऐसे आप सोच भी नहीं सकते मैं ऐसे परिवार से हूँ, ठीक है? बहुत तो मैं इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखती हूँ, बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है एक ही बंदा है वो बार बार हर वीडियो पे आता है, वो इस तरह से कमेंट्स करता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने शायद फैमिली को नहीं अपने एक बार ना उनके घर में अगर मम्मी बहन या उनकी वाइफ है तो प्लीज़ आप उनको एक बार देखना जब वो इस तरह से बाथरूम में कपड़े धो रही हो या कुछ भी कर रही हो तो उनके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता। अगर उनको पता है जिन्होंने मुझे ये कमेंट्स किया है ना उनको पता है मेरा आज फास्ट है, फास्ट वाले दिन देखिए कोई झूठ नहीं बोलता है, मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करती हूँ, ये जो कर रही हूँ मैं मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है और मुझे पता है खुशी भी होती है। मैं इतनी सीधी सज्जन लड़की थी और अभी भी हूँ, मैं अभी इतना बात कर रही हूँ ना इतना पहले बात नहीं करती थी, बहुत कम बात करती थी, अब मुझे बहुत ही नॉलेज हो गई है क्योंकि बाहर जैसे हस्बैंड के साथ रहने लगे तो लोगों से उठना बैठना होता है। पहले क्या था स्कूल से घर, घर से स्कूल, हमें कुछ फ्रीडम भी नहीं मिला था, हम अपना बस स्कूल जाते थे घर से स्कूल ऐसे ही आता था, हमें बहुत ही अनुशासन में रहे हम लोग बहुत ज़्यादा, मैं और मेरे भाई दोनों ही, ठीक है? तो अभी थोड़ा सा मुझे होने लगा है हुनर, तो मैं आज अपने हुनर से आप लोगों के सपोर्ट से इस यूट्यूब पर आई हूँ, तो कुछ करने के लिए आई हूँ, ठीक है? तो मेरा जो ड्रीम है वो आप लोगों के सपोर्ट से ही पूरा हो सकता है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने तो बोला भी मेरे को, मेरे फ्रेंड्स ने भी बोला कि एक दो लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि जब लोग लड़कियाँ जब कॉलेज जाती हैं ऑफिस में जॉब करती है ना तो लोग उनको भी बोलते हैं कि देख कैसे जा रही है, देख कैसे कर रही है, तो ये लोगों की ना जो मानसिकता है उस पर निर्भर करता है कि आपकी जो मानसिकता है वो क्या है, क्या दर्शाते हो आप, क्या सोचते हो, आपकी थिंकिंग ना बहुत गंदी है अगर आप इस तरह से सोचते हो, ठीक है? मैं हर चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखती हूँ, मैं इतना ध्यान रखती हूँ कि जो काम मेरे 10 मिनट में होता है ना चाहे वो मेरा 8 घंटा में ख़त्म हो, लेकिन एक ऐसा वीडियो होना चाहिए कि जो पब्लिक को अच्छा लगे देखने में, मतलब ऐसा कुछ गंद नहीं मचाना। आप लोग देखते भी होंगे कितने सारे ऐसे वीडियो आते हैं, ठीक है? तो प्लीज़ उस भाई से मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसे कमेंट ना के आकर भाई तेरे घर में भी माँ बहन होंगी, ठीक है? तो चलिए गाइज मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, तो मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, खुदा हाफिज़ फ्रेंड्स।